तो कैसे हो आप सब। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको एंड्रॉइड की 8 ऐसी एप्लीकेशनों के बारे में बताऊंगा जो बहुत ही ज़बरदस्त फ्यूचर रखती हैं और हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत ही काम आती हैं। तो चलते हैं ट्यूटोरियल की तरफ। सबसे पहले जो एप्लीकेशन है वो है वाल्टी, ये VALTY वाल्टी। ये हम गूगल प्ले स्टोर में बआसानी डाउनलोड कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि काफ़ी मोबाइल्स, एंड्रॉइड मोबाइल या कोई और मोबाइल जो हैं वो उनमें फ्यूचर नहीं होता कि उसकी गैलरी में जाके उनकी वीडियो या पिक्चर्स को हाइड कर सकें ताकि कोई उसे देख ना सके। तो उसके लिए ये सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल कर लें एप्लीकेशन। तो इसमें ये है कि आप अपनी कोई भी सीक्रेट पिक्चर है या कोई डॉक्यूमेंट्स है या फिर कोई वीडियो है तो उसको आप बआसानी हाइड कर सकते हैं। तो हम इसमें आपको दिखाएँगे किस तरह हाइड करना है। आप एप्लीकेशन को ओपन करें। ओपन करने के बाद हाइड पिक्चर एंड वीडियो लिखा हुआ है, इस पर आप यस करेंगे। आप इसमें कोई भी वीडियो या पिक्चर जो है आप हाइड करना चाहते हो उस पर प्रेस करके उसको सेलेक्ट कर लें। हमने ये 5 वीडियो जो हैं इनको सेलेक्ट की है। अभी ये ऊपर लॉक का निशान नज़र आ रहा है, इस पर आप यस कर दें। तो ये हमारी जो वीडियो थी वो आप देख सकते हैं बीच में से ख़त्म हो गई हैं। अभी आप गैलरी में आके देखें तो आपको वो वाली जो वीडियो है वो नज़र नहीं बीच में आएगी, ठीक है। और अगर आप उसी एप्लीकेशन में आके देखते हैं तो वो वीडियो बीच में आपको नज़र आ जाएंगी, वही वीडियो 3-5 पड़ी होगी, ये देखें। तो इस एप्लीकेशन को आप पासवर्ड भी लगा सकते हैं ताकि कोई भी दूसरा जो बंदा है वो आपकी एप्लीकेशन को ना छेड़े। आपने स्कोटी में आके इसका पासवर्ड लगा सकते हैं ऐसे, ठीक है। ये बहुत ही ज़बरदस्त एप्लीकेशन है, मैं ये यूज़ करता हूँ क्योंकि मेरे मोबाइल में जो है वो पिक्चर वीडियो हाइड करने का ऑप्शन नहीं है। तो जो दूसरी एप्लीकेशन है वो काइन मास्टर है, ये भी आप गूगल प्ले स्टोर से ओपन कर इंस्टॉल कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन में वैसे तो बहुत से फ्यूचर हैं लेकिन जो सबसे इसका बेस्ट फ्यूचर ये है कि आप ग्रीन स्क्रीन वाली कोई भी वीडियो है उसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा भी आप काफ़ी कुछ इसमें कर सकते हैं, ठीक है। इस एप्लीकेशन में बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है, ये आप देख सकते हो। इसमें इफ़ेक्ट्स हैं काफ़ी, इफ़ेक्ट्स के अलावा इसमें कोई वीडियो है उसका ऑडियो चेंज करना है तो ऑडियो उसमें चेंज कर सकते हैं। अगर आप ख़ुद रिकॉर्ड ऑडियो करना चाहते हैं पीछे तो रिकॉर्ड पे जाके इस पे आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। म्यूज़िक लगाना है तो म्यूज़िक लगा सकते हैं। इसके अलावा ये नीचे वॉइस वाला सिस्टम है, आप इधर स्टार्ट करेंगे तो जो आपकी वीडियो होगी उसकी ओरिजिनल वॉइस ख़त्म हो जाएगी और आप जो पीछे बोलते जाएंगे वही वॉइस उसमें रिकॉर्ड हो जाएगी, ठीक है। ये लायर है, इसमें आप टेक्स्ट बीच में ऐड कर सकते हैं जो भी आप लिखना चाहें। उसके अलावा इसमें कोई वीडियो, जिस तरह मैं कह रहा था ये पहले वीडियो है, अगर आप दूसरी पीछे वीडियो लगाना चाहो तो वो वाली लगा सकते हो। उसके अलावा क्रॉपिंग, कलर एडजस्टमेंट और बहुत कुछ इस एप्लीकेशन में है। उसके बाद हमारी जो तीसरी एप्लीकेशन है वो राउंडर है, RUNDR। ये भी आप गूगल प्ले स्टोर से ओपन इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये एप्लीकेशन जो आप जिस तरह इसको ओपन करेंगे तो पहले इसको ऑन करना है। ऑन करते ही आपने हमारी ये जो स्क्रीन है आपने देख ली है कि ये आप देख सकते हैं स्क्रीन शैडो से जो है वो बिल्कुल राउंड हो गई है, गोल हो गई है। तो ये बहुत ही अच्छी लगती है जब मोबाइल आप इस्तेमाल कर रहे हो तो आप इसकी इस तरह गोल तस्वीर राउंड हो जाए तो मोबाइल में बहुत ही ज़बरदस्त फंक्शन और बहुत खूबसूरत लगती है। इसमें और भी 2-3 ऑप्शन हैं तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये भी आप देख सकते हो, ये मैंने फुल राउंड कर दिया है, ये इसको आप थोड़ा सा कम करके रख सकते हैं। दूसरी एप्लीकेशन तो ये थी। उसके बाद तीसरी, अभी चौथी एप्लीकेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ, वो है लेजेंड नाम से। ये भी आप गूगल प्ले स्टोर से ओपन इंस्टॉल कर सकते हो। ये अक्सर आपने देखा होगा कि यूट्यूब पर जो वीडियो बनाते हैं तो उनके शुरू में एक इंट्रो चलता है, तो आप इसके ज़रिए अपना वो इंट्रो बना सकते हैं। मतलब कि अभी मैं बनाऊंगा सब्सक्राइब माय चैनल SU
बी सब्सक्राइब चैनल, ये आपने करके इस तरह आपने यस पे निशान करना है और ये दरमियान जो प्ले वाला बटन है इस पे आपने क्लिक कर देनी है। तो अभी आप देख सकते हैं ये आपका बन गया। इसके आगे और भी बहुत से इसके ऑप्शन है, बीच में आप कोई भी सेलेक्ट करके इसको उस तरह का क्रिएट कर सकते हो, ये वीडियो बना देगा आपको जो लिखाई होगी। ये आप देख सकते हो, ये इसमें बहुत ही काफ़ी ज़्यादा फ्यू स्टाइल हैं, आप जिस स्टाइल में मर्जी ये बना सकते हो। बनाने के बाद ये नीचे इसका है और इधर से आप वीडियो या सेव और गिफ्ट, आप दोनों फॉर्मेट में इसको सेव कर सकते हो। उसके बाद हमारी जो पांचवी एप्लीकेशन है वो APA एक्सट्रैक्टर, APK SPACE EXTRACTOR, ये भी आप गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो। ऐसे एप्लीकेशन का तो मैं कहता हूँ बहुत ही ज़बरदस्त एप्लीकेशन है ये, टोटल कोई 3 या 4 MB की एप्लीकेशन है। लेकिन इसको आप जैसे ओपन करोगे आपके मोबाइल में जितनी भी एप्लीकेशन इंस्टॉल होगी, जितनी भी होंगी, चाहे वो सिस्टम एप्लीकेशन है या आपने ख़ुद इंस्टॉल की हुई है, वो तमाम एप्लीकेशन आपके सामने आ जाएंगी स्क्रीन पे। और आप जिस एप्लीकेशन पे एक दफ़ा इस तरह टच करोगे उस एप्लीकेशन को जो बैकअप है उसकी जो सेटअप है वो आपका आपके मेमोरी कार्ड में वो सेटअप खुद ब खुद बन जाएगा। तो अभी मैंने ये तमाम चीज़ों के सेटअप बनाए हुए हैं, आपको मैं पीछे मेमोरी कार्ड में जाके दिखाता हूँ ये इसके सेटअप किस तरह बने हुए हैं। ये मैंने खोला है, इसकी सर्च में मैं गया हूँ APK, ये आपने APK एक्सट्रैक्टेड को ओपन कर लिया है। तो ये आप देख सकते हैं जितनी भी मेरी एप्लीकेशन है मैंने इन तमाम के सेटअप बना के रखे हुए हैं कि अगर कभी मैं अपने मोबाइल को रिजेट करता हूँ, रिजेट फैक्ट्री सेटिंग में कोड लगा के उसको रिस्टोर करता हूँ, तो एप्लीकेशन डिलीट होने के बावजूद मुझे दोबारा गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल ना करनी पड़े, बल्कि इधर से ही मैं इंस्टॉल कर लूँ। उसके बाद छठी हमारी एप्लीकेशन है टेलीग्रामी, TELLAGAMI, टेलीग्रामी। ये एप्लीकेशन भी गूगल प्ले स्टोर से ही ओपन की गई है। इसमें आप जो है कार्टून बना सकते हो, एनिमेटेड कार्टून। इसमें से आप जेंडर भी बना सकते हो, अगर आप ये लड़की मतलब है तो आप इसकी जगह लड़का भी रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। इसकी आंखों का कलर चेंज करना हो, ठीक है, इसके बाल चेंज करनी हो, आप किसी सेलेक्ट बाल चेंज कर सकते हो। इसका ड्रेस जो है ड्रेस चेंज करना हो ड्रेस चेंज कर सकते हो, पैंट चेंज कर सकते हो, नीचे बूट इसके चेंज कर सकते हो। इसको ये स्माइल है, अगर स्माइल में रखना है तो ये स्माइल में होगी, सैड मूड में होगी, उसके बाद सिली मूड में, आप जो भी करना चाहो कर सकते हो। उसके बाद ये सब कुछ करने के बाद अगली आप इसके अंदर मतलब कि अपनी आवाज़ में कुछ बुलाना चाहते हो, मतलब कि आप ये ऊपर लिखा हुआ है मैसेज में जाके आपने ये रिकॉर्डिंग है नीचे रिकॉर्ड, आप रिकॉर्ड पे जब यस करोगे तो आप जो कुछ भी बोलोगे ये उसी तरह मतलब कि वीडियो इसकी बन जाएगी, ये उसी तरह बोलेगी। अभी मैं आप ये वीडियो आपको दिखाता हूँ, मैं स्टॉप करूँगा। ये एनालाइज योर वॉइस, ये एनालाइज कर रही है, उसके तकरीबन थोड़ी सी देर लगती है, उसके बाद ये जो भी आपने बोला होगा वो इसी तरह सेम बोल के दिखाएगी। उसके बाद जो हमारी एप्लीकेशन है सातवीं एप्लीकेशन, उसका नाम है इजी उर्दू।
ये एप्लीकेशन भी आप गूगल प्ले स्टोर से ओपन कर सकते हो। इसका मज़ा ये है कि अगर आप उर्दू टाइप करना चाहते हो, मैसेज में करना चाहते हो, फेसबुक का स्टेटस उर्दू में लिखना चाहते हो, या कहीं भी उर्दू अपने मोबाइल एंड्रॉइड मोबाइल में किसी जगह भी उर्दू लिखना चाहते हो, तो ये वाली एप्लीकेशन जो है ईजी उर्दू, ये आप गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लो। एक वैसे तो काफ़ी उर्दू की जो मतलब उर्दू की बोर्ड मिल जाते हैं गूगल प्ले स्टोर पर, लेकिन ये जो एप्लीकेशन है इसका एक मज़ा ये है कि इसकी स्पेस बहुत कम है। एक स्पेस इसकी कम है, दूसरा ये है कि इसमें उर्दू के तमाम अल्फाज हैं। काफ़ी कीबोर्ड में बीच में बहुत से अल्फाज ऐसे होते हैं जो मौजूद नहीं होते, लेकिन इस एप्लीकेशन में बहुत से अल्फाज अभी आपको दिखा देता हूँ। और दूसरा ये है कि ये आपको मैं आपको मैसेज में जा कर दिखाता हूँ, ये मैसेज है, राइट मैसेज में आप जाओ तो ये इंग्लिश है लेकिन ये साथ उर्दू है, आप इसको सेलेक्ट करोगे आपकी उर्दू आ जाएगी, तो ये उर्दू के सारे तमाम अल्फाज इसमें मौजूद हैं, तो आप इसमें बआसानी उर्दू टाइप कर सकते हो। और आखिरी एप्लीकेशन जो है वो है स्क्रीन रिकॉर्डर, ये एप्लीकेशन मूवीज़ एंड स्क्रीन रिकॉर्डर, जिसके ज़रिए मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये वाला। तो वैसे तो और भी स्क्रीन रिकॉर्डर हैं, लेकिन वो तमाम जो हैं वो ये कहते हैं कि आपका मोबाइल रूट होना चाहिए, ठीक है, लेकिन ये जो है एप्लीकेशन ये मूवीज़ एन MOBIZEN मूवीज़ एन स्क्रीन रिकॉर्डर, इसमें मोबाइल रूट होने की कोई शर्त नहीं है। मतलब अगर आपका मोबाइल रूट नहीं भी है तो आप फिर भी आप इसको इंस्टॉल करके इससे अपनी स्क्रीन की तमाम वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। इसमें एक और जो ज़बरदस्त फीचर ये है कि अगर आपकी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तो बीच में आपको इंस्टॉलेशन करते हो तो आप उसको रिकॉर्ड बीच में नहीं करना चाहते, तो आप उधर इसको और फिर इस जगह से रिज्यूम कर सकते हो, आपकी उधर से वीडियो स्टार्ट होगी। लेकिन अगर आपका मोबाइल किट कैट या इससे नीचे का वर्जन है तो फिर आप ये इंस्टॉल करो, लेकिन अगर आपका लॉलीपॉप है या इससे ऊपर मार्शल्ला या कोई और वर्जन है तो इससे भी ज़बरदस्त किस्म का एक स्क्रीन रिकॉर्डर है AZ स्क्रीन रिकॉर्डर, वो आप इंस्टॉल कर लें। क्योंकि मेरा भी किट कैट है तो इसमें वो जो AZ स्क्रीन रिकॉर्डर है वो इसमें नहीं चलता, वो किट कैट से ऊपर चलता है लॉलीपॉप जो से ऊपर, तो इसलिए मैंने ये एप्लीकेशन की है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्तों को मेरा आज का ये वीडियो जो है वो बहुत पसंद आया होगा, और तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो आप देख सकें। थैंक